नमस्कार, नेहा फैमिली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता। बच्चों को बेहद पसंद आने वाली डिश पास्ता, बहुत ही टेस्टी पास्ता बनकर के तैयार होता है। एकदम क्रीमी क्रीमी पास्ता बनकर के तैयार होता है। ये हमने 150 ग्राम पास्ता लिए हैं। पास्ता आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। तो हम पास्ता को बॉईल करेंगे। ये हमने गैस पे पैन रखा है, इसमें हम पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी बॉईल हो गया है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। आप चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से पास्ता चिपकते नहीं, एकदम खुले खुले से बनते हैं। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे, इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने गैस पे कढ़ाई रखी है, अब हम इसमें व्हाइट सॉस बनाएंगे। 2 टेबलस्पून हमने ये घी डाल दिया है। घी को हम मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें बारीक कटे हुए लहसुन डाल देंगे। लहसुन को थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे। जितना हमने घी लिया है उतनी ही हम मैदा डालेंगे। 2 टेबलस्पून घी लिया है और 2 टेबलस्पून ही मैदा डाली है। इस प्रकार से इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। मैदा को हम लगातार चलाएंगे, वरना कलर चिपकने लगेगी तो उससे कलर खराब हो जाएगा इसका। मैदा भून चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। लगातार चलाते रहेंगे। इस प्रकार से हम दूध ऐड कर देंगे। ये हमने 1.5 कप दूध डाला है। अब हम इसे थोड़ी देर चलाते रहेंगे। अब हम इसमें ये काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम। हाफ चम्मच नमक डाल दिया है। ये थोड़ा सा हमने चिल्ली फ्लेक्स डाला है। एक बार और अच्छे से चला लेंगे। व्हाइट सॉस बन करके तैयार है। अब हम पास्ता को चेक कर लेते हैं। पास्ता बॉईल हो गए हैं, ये हमने छलनी में निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 कप ठंडा पानी डाल देंगे। अब हम सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। ये पैन में हमने घी डाल दिया है, घी को हम मेल्ट होने देंगे। घी हम मेल्ट हो गया है। ये थोड़ा मैंने लहसुन कटा हुआ डाला है इसके अंदर।
ये हमने प्याज को इस प्रकार से कट करके डाला है। आप किसी भी शेप में कट करके डाल सकते हैं। अब हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। और 2 मिनट के लिए पका लेंगे इसको। शिमला मिर्च को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का ही पकाएंगे। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व कर लिया हमने, ये देखिए कितना अच्छा व्हाइट सॉस पास्ता बनकर के तैयार हुआ है। एकदम क्रीमी क्रीमी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बनाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।